नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही मजेदार टेस्टी रेसिपी के वीडियो के साथ आपके साथ हाथ सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम बनाना सीखेंगे टेस्टी एग पाउच। जी हाँ, आपने तो ऑलवेज देखा होगा, सुना होगा कि आपने ऑमलेट बना दिया, ब्रेड ऑमलेट बना दिया वगैरह वगैरह। बट मैं आज आपको अंडे से टेस्टी एग पाउच कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। एक बार आप बना के खाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा एकदम से यूं। तो के लिए सबसे पहले क्या चाहिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए प्याज, कटी हुई प्याज, और चाहिए हमको गाजर कटी हुई, अदरक कटी हुई, शिमला मिर्च कटी हुई, काट लें बारीक काट लें, टमाटर कटा हुआ, मिर्च अपने अकॉर्डिंग काट लें जितनी आप खाते हो, और धनिया अपने अकॉर्डिंग काट लें, और चाहिए चीज, और चाहिए ऑरिगेनो, और चाहिए एग्स। एग्स आपको अपने अकॉर्डिंग लेना, जितना आप बनाना चाहें उतना। तो दोस्तों, हमने एग फोड़ लिए हैं। अब इसमें हमने जो दिखाया था आपको, सब इसमें मिक्स कर देंगे। अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, और एक गाजर, और धनिया पत्ती, अब ये मिर्च। अब दोस्तों, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा ही हमारे एग पाउच बनेंगे। इसमें डालेंगे हल्का सा ऑर्गेनो, डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब इसमें जो हमने चीज दिखाई थी उसको इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। ये दोस्तों, अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो दोस्तों, हमारा मिक्सर हो गया रेडी। हमने अच्छे से इसको देखिए मिक्स कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। दोस्तों, हम लेंगे एप्पे बनाने वाली ट्रे, जो कि कुछ इस तरह की होगी, इस डिजाइन की। आपको ऐसी डिजाइन की लेनी है। एग्जैक्ट गैस को ऑन कर लेंगे, बहुत ही धीरे आंच में बनाना है आपको, ताकि जले ना हमारे एक पाउच। देखिए कितना धीरे गैस चल रही है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का हल्का सा ऑयल। ये देखिए, हमने हल्का हल्का सा ऑयल डाल दिया है, और इसको कर लेंगे, हिला देंगे हल्का सा, ताकि ये मिक्स हो जाए पूरा उसमें। अब जो हमने अपना पेस्ट बनाया हुआ है मिक्सर, अब इसको हम डालेंगे अपनी एप्पे की ट्रे में। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे खांचों में हम भर देंगे। इसको ज्यादा नहीं डालना है, आधे से हल्का ज्यादा होना चाहिए। कितने मस्त लग रहे हैं। अब देखिए, इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे आंच में इनको पकने दें। देखिए बहुत ही जल्द रेडी होने वाले हैं पक्के, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। वेट करते हैं तब तक। इनको पलट रहे हैं, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, कितने अच्छे हो गए हैं ये पाउच हमारे। बहुत ही अच्छे, हल्के से, बहुत ही हल्के हाथों से इनको पलटें, टूटने का खतरा है, टूट सकते हैं। धीरे धीरे इनको पलट दें। कितने ब्राउन हो, ब्राउनिश हो गए। जब ब्राउनिश हो जाए हल्के हल्के, तभी आपको पलटना है। हमारे एक पाउच हो गए हैं ब्राउनिश, और फिर से इनको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और पकने देंगे थोड़ी देर के लिए।
ये देखिए दोस्तों, हमारे एक पाव जब हो गए रेडी, ये कितने बेहतरीन, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको प्रेजेंट करेंगे हम, ट्रे में लगाएंगे। और इनके साथ खाने के लिए हमको चाहिए टमाटो सॉस, ये टमाटो सॉस, और चाहिए शेजवान चटनी। तो हमारे एक पाउच हो गए रेडी। तो जैसे हमने एक सिस्टम बना रखा है, अपने कोई भी रेसिपी होती है हम इसका क्वालिटी टेस्ट करवाते हैं। तो चलिए टेस्टिंग के लिए रेडी है, आइए। सालू जी तो बताएं कि आपको एक पाउच कैसे लगे। दोस्तों तो सालू जी को हमारे एक पाउच बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे नई रेसिपीज की जानकारी डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।